तो हमारे बीजेपी के लोग ये ना समझे कि हम कायम है। सबको सता रहे, गरीब को सता रहे, और आज शेड्यूल कास्ट के वोट छीनने के लिए, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को तंग और तबाह कर रहे हैं, और उसी तरह उन बच्चों को जो पढ़े लिखे बच्चे थे उनको जो नौकरियां मिलते थे वो नौकरियां खत्म करने के लिए उन्होंने लैटरल एंट्री शुरू करी। क्या आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से अगर बुलाए तक उसमें होशियार लोग नहीं मिलते हैं? आज तक जितने भी आईएएस आईपीएस बने आईआरएस बने क्या वो सब बेवकूफ थे? तुम्हारे पास ही होशियार लोग हैं आरएसएस और बीजेपी में, और ये काम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इसकी आवाज राहुल गांधी जी ने उठाई और बाद में सब बाकी के लोग भी उसको शुरू किए, तो फौरन वो समझ लिए ये कहां एक बहुत बड़ा दंगा होगा, इसीलिए जल्दी वापिस लो बोल के रातों रात वापिस लिए। और वक्फ बोर्ड की एक अमेंडमेंट बिल, उसको भी जब पूरे लोग अपोज करे तब वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। ऐसा ही अगर हमारे पास ताकत है वो लोग डरते हैं, अगर हमारे पास ताकत नहीं है कोई आपको डरेगा नहीं, आपको नहीं डरेगा, आपके शक्ति के ऊपर लोग आपको इज्जत देते हैं, नहीं तो ऐसा ठहर के भीख मांगे तो कोई देने वाला नहीं। लड़ना पड़ता है, लड़ने के लिए आपके पास कुव्वत होना चाहिए, और खास करके हमको स्वाभिमान से लड़ना है। ये नहीं उन्हें ऐसा बोला इन्हें ऐसा बोलो, छोड़ दो, मुल्क के लिए जब आप काम करते हो एक होके करो, और पार्टी के लिए भी एक होके करो। बस मैं ये कश्मीर में भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले हमारे कार्यकर्ताओं के मीटिंग में, फिर एक बार आपके सामने दोहराता हूं, क्योंकि ये जम्मू के लोगों को भी मालूम होने दो, क्योंकि आप सभी लोग लड़ने वाले हैं। और यहाँ के लोग फौजी में कितने भर्ती होते हैं, कहीं और नहीं होते, डोगरा रेजिमेंट है, लेकिन इन्होंने लाया अग्निवीर। अरे अग्निवीर कहाँ, डोगरा रेजिमेंट कहाँ? अग्निवीर वो भी स्टाइफंड के जैसा, उनको पूरा ट्रेनिंग नहीं होती, उनको पूरा कुछ मालूम नहीं, उनको पगार नहीं, रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं, वो घर को सीधा चले जाना अग्निवीर। अरे अगर वो मिलिट्री में भर्ती होते उनको अगर रिक्रूट करके परमानेंट बनाते हैं उनको पेंशन मिलता है, मरे तो उनको कंपेंसेशन मिलता है, देश की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा स्कीम छोड़कर तुमने एक मामूली अग्निवीर स्कीम लाए और मिलिट्री को खत्म कर रहे हो एक एक करके, तो ये मोदी की सोच है।